बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर। नाटक बॉस बच्चा है। साहिल आपका बकरा गया जन्नत? साहिल जन्नत में गया आपका बकरा, आपको पता है? हैं साहिल आपने छुरी में हाथ नहीं लगाया क्यों? नहीं देख तो लो उसको, कितना ब्लड निकला उसमें से देख के तो बताओ। अरे आज तो भाई हारिस को रोना नहीं आया। हाँ हारिस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। तो तीसरी जी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे घर पर जो है वो कुर्बानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। सो बस हम लोग जो हैं उठे और फौरन से जो है वो कसाई आ गया था, उसके बाद जो है हमारे बकरे के माशाल्लाह से पूरा गोश वोश कम्प्लीट हो गया। आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ, अभी मैं बना रही लगी हूँ नाश्ता। सो नाश्ते में और इतनी ज़्यादा शदीद भूख लग रही है ना, और गर्मी भी इतनी कोई गर्मी हो रही है कि बस। सो अभी हम लोग जो है नाश्ता वगैरह बनाते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारा जो गोश बनना है वो कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर जी अंकल के कपड़ों को जो है इग्नोर करिएगा, बेचारे बहुत गर्मी में जो है बाहर टेरिस में इन्होंने बकरी की खाल उतारी और इतनी शदीद गर्मी थी, फिर मैंने जो है कॉमन में अपने चादर वगैरह बिछाया, मैंने बोला यहाँ पर जो है आप गोश बनाए बैठे। यहाँ मैं अंडे वगैरह फ्राई करती हूँ, चाय हमारी हो गई डन। यहाँ जी कसाई जा चुके हैं, गोश्त वगैरह बना दिया है। रैल अच्छा बनाया ना गोश्त, साफ सुथरा। हाँ और ये जो है हम लोगों ने चॉप वगैरह जो है वो अलग से निकलवा दिए, अब हम लोग हिस्से बनाने बैठ रहे हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हिस्से बनवाए तो वो तो करो, इसको क्या करो? क्या ओ पानी दे दीजिए, क्या करना है? हड्डियाँ गोटियाँ ये चिकनाई सब एक साथ डालनी है? ना ना मिक्स करके डालो। ये देखो सही, देखो सही है। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपर्स हो गई हैं डन, ठीक है। इसमें मैंने सारी चॉप्स रखी हैं, ये जो हैं ये चॉप्स हैं, ये जो हैं सिंपल पीसेस हैं स्टेक वगैरह के लिए जो भी हो, ये भी चॉप है, ये अम्मी के घर के लिए है हमारे, और साथ साथ बैटरी भी लो रही है। और माशाल्लाह से हमारे अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करें हमारी। अभी जी मैं बना रही हूँ कलेजी। पहले मैंने कलेजी जो है नमक के पानी में बॉईल की है, और यकीन करें मुझे अभी कोई इतनी उबकाइयाँ आई हैं ना, ये स्मेल्स वगैरह जो है ना अल्लाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। असल में ये मैं करती ही नहीं थी, शादी से पहले अम्मी वगैरह देखती थी, शादी के बाद सास वगैरह ये लोग देखती थी, मैं इन चीज़ों में घुसती ही नहीं थी, लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है। और मैंने जब उबकाइयाँ ली ना तो मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे हो चुका है, तो मुझे ना स्मेल से कुछ होता है, मुझे बहुत शदीद जो है होता है। अभी भी पूरे घर में ना बहुत ज़्यादा मेस हो रहा है सब कुछ, ये सब जो है राहिल वॉश करेंगे और मैं जो है पूरा किचन समेट रही हूँ, लेकिन जो स्मेल आ रही है ना और गर्मी भी इतनी शदीद है तो मुझे अजीब सा कुछ हो रहा है अंदर से। यहाँ मैंने कलेजी बनने रख दी है अपनी, ठीक है अपनी नहीं बकरे की कलेजी बनाने रख दी है, ये देखें ठीक है। अभी हमारी कलेजी डन हो जाती है तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सब भूख भूख कर रहे हैं, सबका कलेजी खाने का दिल हो रहा है, और ये सुन्नत नबी भी है कि हमने जो है अपनी जानवर की कुर्बानी के बाद सबसे पहले हमने कलेजी खानी होती है। हम लोग जो हैं सब अभी फर्श वगैरह धो रहे हैं, राहिल धो रहे हैं फर्श, आरिस तो पूरा पूरा नहाने लगे क्योंकि गर्मी इतनी है, मैंने कहा नहाते भी रहो और काम भी करते रहो। सारी चप्पलें वगैरह धो कर रखी हैं, अभी सब जो है वो सामने धूप आ रही है वहाँ पर सूखेंगी। ये आरिस अपने शूज़ रगड़ने में लगे पड़े हैं। वेल बस था पानी तो नहीं डालूँ अब, चलो चलो भाई चमका दिए माशाल्लाह आपने अपने वाइट शूज़। सारी स्लीपर्स जो हैं यहाँ पर स्टैंड पे रखी हुई थी, ये सब जो है हमारे बकरे साहब ने ख़राब कर दी थी,
जब ऊपर आए थे, तो अभी मैंने सारी जो है वॉश कर ली है। अभी यहाँ पर धूप आ रही है अच्छी खासी, और यहाँ इसमें जो है ये सूख जाएंगी। आरिस चप्पलें पहनो, बहुत गर्म हो रहा है। ये मेरा बेटा माशाल्लाह से बड़ा काम वाला है, छोटा वाले तो सो गए अपने बकरे को कुर्बान करके। ये भी सारे क्या कह रहा है, पानी बंद कर दो। चलें जी, मैं भी जो है वाइपर लगा देती हूँ। राहिल बाहर का सहन समेट रहे हैं, अंदर का वॉश हो गया है। वाइपर लगा कर जो है सब रेडी कर देते हैं, क्योंकि मक्खियाँ इस कदर आ रही हैं यहाँ पर। क्या Six and a half hours later. So guys, मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाला मैंने ड्रेस पहना जो मेरे बच्चों ने मुझे मदर डे पे दिया था। अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जो है कुर्बानी के बाद शाम में जो है वो मैं सो गई थी, तो लेट उठी हूँ और उठते ही जो है मैं तैयारी श्यारी शुरू कर दी। अच्छा, ये मैं अपने मुन्ने के लिए ये वाली पैंट शर्ट लेकर आई थी, और दूसरे मुन्ने के लिए ये वाली। खड़े होकर दिखाई अपना लुक। दूसरे मुन्ने के लिए ये वाली पैंट शर्ट लेकर आई थी मैं, ठीक है। और हुरिया जो है, हुरिया का ये ड्रेस लेकर आई थी। हुरिया अपना फुल लुक दिखाओ। बिन सईद का ये ड्रेस है हुरिया का, और खुद से भी इत्तेफाक से इनके मैचिंग हो गए, ठीक है। सो अब हम लोग जो हैं वो जाने लगे हैं। ये मेरा हुरिया, मेरा भी फुल लुक दिखा दो बेटा। पापा भी फुल लुक दिखाऊंगा। पापा का भी फुल लुक दिखाओ। तो जी अभी हम लोग चलते हैं। ये इयर रिंग्स भी मुझे मैचिंग की घर में से ही मिल गई हैं। ये बैंगल्स भी मेरे घर से मिल गए हैं। बस ये ड्रेस जो है बच्चे की मदर डे का दिया है, और राहिल नहीं जा रही। देखें बेचारे समेट रहे हैं बेड वगैरह। कह रहे मैं नहीं जा रहा, मैं आराम करूँगा, तुम लोग जाओ। चलो बच्चा आ जाओ, इन ड्राइव आ गई है। आ जाओ आरिस, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर हम लोगों ने गाड़ी रुकवाई, उसके बाद मिठाई ली, और मिठाई में मैंने लिए थी यहाँ की पाइन एप्पल और एक गुलाब जामुन। और इतना भी अंधेरा कर दिया, नहीं गैराज पूरा ख़राब कर दिया इन लोगों ने। इस तरह से दीवार खड़ी कर दी, वरना इतना अच्छा था, इतना बड़ा सा छाया गाड़ी। और हम लोग लाइट शेड सब पूरा ऐसा लग रहा है वाकई इसलिए सब थक के सो रहे हैं। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, मैंने कहा जब तक अपनी ऐसे ही कुछ सेल्फी वगैरह देख लें। एक दूसरी शॉपर निकाल ली थी। बेटा नीचे रख दो ना, क्या है मतलब अनुवाद में। ये बता तेरी घड़ी में 10 बजे 10 बजे तो सोकर उठे तो आना ही नहीं था। आते नहीं, मजा आया मेरे डायलॉग में। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, हम तो रात की शायद आएंगे ना। हमारी बच्चियाँ हमारा वेट कर 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 जो है वो सो गई, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट आए। ये वाला भी सो गया था, लेकिन अभी उठाया हमने इनको। इर्तिज़ा कहाँ भाजी? हाँ जी, मैंने तो अपनी प्लेट बना ली है, ठीक है। स्ट्रू भी है, और शामी कबाब अम्मी नहीं बना सकी क्योंकि इनकी एंड टाइम पर जो है वो चॉपर ख़राब हो गई थी। सो हमने कहा कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे। मैं 5 मिनट में कॉल करूँगी।
व्हाइट वाले, काले वाले समझ रही थी मैं। हुँ? नहीं काले वाले झुलमन निवाला जाते हुए देख रहे मैं गई थी दिल्ली। आप इनकी छुट्टियाँ मिली कब से? जोर से बोलो ना, आवाज़ कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? और ये दोबारा कौन है? और बताओ कि हम लोग गुरु का वेट कर करके जो है वो सो गए थे। बोलो नहीं अभी सोकर उठी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हुई है, वरना तो माशाल्लाह से आवाज़ बनी, जबान इतनी चलती है मदी। अच्छा तो गाइस हम लोग जो है अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे। बहुत शदीद गर्मी है, सब कुछ चेंज करना है, सब जूली वूली सब उतारनी है, तो मैं चाहूँगी इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।